हाय विक्रम, गुड मॉर्निंग सर। पहले ये शोर बंद करवाओ। ए मशीन बंद करो। हमें खबर मिली है कि लाश यहीं कहीं दफनाई गई है। 6 घंटे से ढूंढ रहे हैं पर कुछ हाथ नहीं लगा सर, और ये जगह भी काफी बड़ी है सर। विश्वास सर ने कहा है कि इस केस में आपकी मदद लूं, इसीलिए आपको बुलाया है। इधर इधर देखो। जी सर, देखता हूं। अरे वहां क्या है, देखो जरा। सर इस तरफ कुछ नहीं है, आप उस तरफ और खोदो थोड़ा, वहां जाके देखो। हां सर, देखता हूं। अरे वहां कौन गया? उधर है सब, है ना? है क्या? ठीक है। उधर कुछ मिला क्या? नहीं। नानी सैल्यूट करो। सर ये फूल पत्तियां क्यों तोड़ रहे हैं? देखते हैं। सभी कांस्टेबल्स को यहां बुलाओ। सर ये जंगली झाड़ियां हैं, इन्हें वीट कहते हैं। ये 3 झाड़ियां एक साथ जहां दिखे वहां निशान लगाओ और मुझे बताओ। जी सर। रोहित शुरू हो जाओ। 2 टीम्स बनाओ और अलग अलग दिशा में जाओ। ओके सर। तुम लोग उस तरफ जाओ, तुम लोग उस तरफ देखो। नाम क्या है तेरा? सिद्धू भैया। स्कूल जाता है? सच बताओ वरना थाने ले जाऊंगा। जा अपने मालिक को लेकर आ यहां। यहां खुदाई करो। फॉरेंसिक से कौन आया है? मैं हूं सर। ए धीरे धीरे से करो। तुम ठीक तो? जल्दी करो, संभाल के रखना बॉडी को। आओ चले। बॉडी का ठिकाना कैसे पता चला? उस जंगल में सिर्फ 3 किस्म की झाड़ियां उगती हैं। आमतौर पर देखा जाए तो वो तीनों झाड़ियां अपने अपने क्षेत्रों में ही उगती हैं। उनकी जड़ों में जहरीले केमिकल्स होते हैं, मतलब जिसकी वजह से आसपास कोई दूसरी झाड़ियां नहीं उग पाती। जब जमीन की खुदाई होती है तो केमिकल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और तब वो जहरीले नहीं रहते। सिर्फ तभी ये तीनों झाड़ियां एक जगह उग सकती हैं। तो जहां लाश के लिए गड्ढा खोदा होगा वहीं ये झाड़ियां एक साथ उगी होंगी, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि जहां ये तीनों एक साथ उगी हों वहां खोदो। ढूंढना आसान था, बस उन लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत थी। मुझे जल्द से जल्द इन सबकी रिपोर्ट चाहिए। तू यहां क्या कर रहा है? हमें विश्वास सर ने भेजा। मुझे तो इस बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं। सर सर
इसकी जरूरत नहीं है, मैं देख लूं। ओके सर। हाँ गुंडों जैसी दाढ़ी रखी है, किस एंगल से पुलिस डिपार्टमेंट का लगता है ये आदमी? आजकल यही फैशन है सर, आप भी ऐसा ही लुक रखिए, शायद आपका कोई केस सॉल्व हो जाए। सॉरी सर। तो क्या हुआ था यहाँ? ज्यादा हीरो मत बन, इधर ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, इट्स अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड। लेकिन तुम्हें मेरे केस में टांगड़ आने क्यों भेजा है? सब देख लिया ना? और तुम्हें ये कैसे पता चला ये सुसाइड है? ये देख लो, वीडियो सुसाइड नोट है। एक जमाने में लोग चिट्ठी लिख के सुसाइड करते थे, अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो वीडियो बनाया है। अपनी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूं, आई एम सॉरी। क्या मैं समझ में नहीं आता, तुम पुलिस में कैसे भर्ती हो गया अभिलाष? अगर ये रूम में अकेला था तो शूट करने के बाद ऑफ किसने किया वीडियो? इसका भूत तो नहीं होगा ना कि मरने के बाद आकर वीडियो ऑफ करके गया? और फोन इतना भी स्मार्ट नहीं कि गोली के चलते ही अपने आप बंद हो जाए, और तुम बिना ग्लव्स पहने फोन को टच कर रहे हो। इस रूम से तुम्हें अजीब सी स्मेल नहीं आ रही है? पता है यह क्या है? इसे इंक वार्निश कहते हैं। इसे इंक बनाने वाली कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स, पेंटर्स और कारपेंटर्स यूज करते हैं। और इस कमरे में ना कोई टूटी खिड़की है और ना ही टूटा दरवाजा, मतलब जो भी था दरवाजा खोल कर आया था वो इसे जानता है। बस एक गलती कर गया, खिड़की से कूद कर बाहर भागा। पाइप पर जूते के निशान है, खिड़की से कूदते वक्त उसके जूते में यह पीस चिपका था जो अंदर गिर गया। इसके परिवार और दोस्तों में से पूछो कि कोई पेंटर, कारपेंटर या इंक बनाने वाली कंपनी में काम करने वाला है या नहीं, और वहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। इसे मरने पर मजबूर किया गया है। और सुनो अभिलाष, क्राइम सॉल्व करने के लिए शेव करने की जरूरत नहीं है, दिमाग की जरूरत पड़ती है, समझा? अगली बार दिमाग लगा के काम करना। श्रीनिवास का कोई कॉल आया? नहीं सर, लास्ट वीक बात हुई थी। कोई प्रॉब्लम आए तो इन्फॉर्म करना, मैं तो आज तुम जल्दी आ गए, पर अभी मेरा काम बाकी है। मैं इंतजार करता हूँ, तुम खत्म कर लो। आई शो। हाय रोहित। हाय नेहा। कॉफी पीना चाहोगे? नहीं रहने दो। नहीं ऐसे ही ठीक है, तुम जाओ अपना काम खत्म कर लो, हम लोग वेट करते हैं। ओके मैं आती हूँ। हाय डॉक्टर, रिपोर्ट आ गई क्या? दो घंटे लगेंगे क्योंकि उस पर अभी टेस्ट चालू है मैम। नॉर्मली डीएनए चेक करने में इतना वक्त नहीं लगना चाहिए, थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। रमाकांत जी, आपकी बैलिस्टिक रिपोर्ट रेडी हुई क्या? उसी पे काम कर रहा हूँ मैडम। जैसे रिपोर्ट रेडी होती है मुझे और वेंकटेश को मेल कर दीजिएगा, ठीक है? तुम्हारी मम्मी कैसी हैं? उनकी हालत नाजुक है, डॉक्टर्स का कहना है मुंबई ले जाना चाहिए। बड़े भाई मुंबई में रहते हैं तो शायद एक हफ्ते में ले जाएंगे उन्हें। मेरी मदद चाहिए तो हिचकिचाना मत, मम्मी पहले काम बाद में। बेशक। ये पिक्चर इतनी ब्लर दिख रही है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, थोड़ा इसे और क्लियर करने की कोशिश करो, तुम कर सकते हो संध्या। सपना कैसी है? अच्छी है, तुम कभी घर आओ ना, उससे भी मिल लेना। देखता हूँ अगले हफ्ते टाइम। विक्रम। हाय शिंदे। हाय। क्या हुआ, आज भी नेहा का इंतजार हो रहा है? मैंने तुम्हें मेल कर दिया है, प्लीज चेक कर लो। सॉरी ज्यादा वक्त लग गया, शिंदे तुम भी चलो। अरे नहीं नहीं, मैं कबाब में हड्डी बनके क्या करूंगा, तुम लोग चलो। बाय बाय शिंदे। ठीक है विक्रम, मैं भी निकलता हूँ, सपना इंतजार कर रही होगी। हाँ ठीक है, बाय नेहा। बाय। चले। थैंक्स। तो बताओ दिन कैसा रहा? हाँ ठीक ही था। रूपा का मुझे फोन आया था। पेशेंट की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकती क्या? जो बात कर रही हूँ उसका जवाब दो, प्रॉब्लम क्या है? आखिर इस तरह की घटिया जॉब तुम्हें करनी ही क्यों है जिसका असर तुम्हारी हेल्थ पर हो रहा है? बस करो नेहा।
जरा मेरे बारे में भी सोच कर देखो, तुम्हारा बीपी अक्सर हाई रहता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। नेहा प्लीज, जानता हूँ तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, पर अगर मैंने ये नौकरी छोड़ दी तो मेरी हालत और खराब हो जाएगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इस क्यों का जवाब मैं नहीं दे सकता नेहा, ये सब मेरे अतीत की वजह से हो रहा है। आखिर ऐसे कौन से राज छुपे हैं तुम्हारे? जानता हूँ मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया, पर मेरा यकीन करो, अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो पागल हो जाऊंगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हैं, हमारा कोई वास्ता ही नहीं। तुम आखिर हो कौन? ऐसा क्या है तुम्हारे अतीत में? सब कुछ बताऊंगा नेहा, सही वक्त आने पर। मेरे लिए इतना तो करोगे कि तुम छुट्टी लेकर घर चले जाओ और जो रूपा ने तुम्हारे लिए ट्रीटमेंट सजेस्ट किया उसे पूरा करके वापस आओ, ये तो कर सकते हो ना तुम विकी? तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मैं नहीं जा सकता। रूपा भी मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रही है, और वो तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, वही कहेगी जो तुम चाहोगी। मेरी बात नहीं मान सकते तो मुझे छोड़ दो, हमेशा के लिए जॉब छोड़ने को तो नहीं कह रही? अब तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं। मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। टीम की वजह से शहर में अपराध कम हो रहे हैं, थैंक्स टू हैदराबाद पुलिस जिनकी वजह से आज हमारा शहर सुरक्षित है। सिर्फ मर्डर्स ही नहीं बल्कि चोरी और किडनैपिंग केसेस भी कम होते जा रहे हैं, इसलिए मैं आरजे शिल्पी जनता की तरफ से हैदराबाद पुलिस को थैंक्स कहती हूँ। तो आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ गुड मॉर्निंग सर। हे विष्णु, मोबाइल छोड़ो, काम करो। सारे मर्डर केसेस तुम देखते हो और 6 महीने की छुट्टी चाहिए? जरूरत नहीं होती तो नहीं मांगता सर। और छुट्टी की वजह क्या है? कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है सर। यही वजह है ना? अगर किसी केस में तुम्हारी जरूरत हुई तुम्हें आना पड़ेगा, छुट्टी ले सकते हो, अब तुम जाओ। थैंक यू सर। सर मैं बस अभी 1 मिनट में आया, सॉरी। पाकिस्तान उसके फैसले का इस्तेमाल करता है, भारतीय